कितना तूफान आ रहा है गाइस, वो अगेन तूफान आ रही हूँ यार, देखो कितना तेज तूफान आ रहा है, पूरा गांव छुप गया यार। आ रहे अब जाके, बहुत अच्छा जड़ी बूटी है गाइस, ये देखो बर्फ का स्पीडी वालों पे तो ना गोबर खिलाओ कंपटीशन चलाओ, ये लोग तो यार मुंह मीठा कर रहे थे। सो हे गाइस, अभी हम जा रहे हैं पानी भरने, बिकॉज हमारे घर में पानी नहीं है और बर्फ काफी ज्यादा पड़ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो आज है लिविंग इन कोल्ड डेजर्ट इन माउंटेन का सेकंड एपिसोड, तो अभी मैं पानी भरने जा रही हूँ, फुल पैक होगी बिकॉज बहुत हवा चल रहा है। अभी आपको एहसास नहीं होगा क्योंकि मेरे घर की वजह से हवा इधर साइड नहीं आ रहा है, बट आप उधर देखो फ्लैग्स वगैरह कैसे हिल रहे हैं। तो अभी जैसे मैं जाऊंगी ना तो आपको दिखाई देगा कितना ज्यादा ठंडा है। तो यार देखो बर्फ हमने सुबह उठाया था और फिर से दोबारा पड़ चुकी है, ठीक है। तो अभी आ रहे मासी वगैरह, हम सब जाएंगे पानी भरने। यार देखो आगे आ रही है भयंकर तूफान, उस साइड भी आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा बट बहुत ज्यादा तूफान आ रही है, देखो कितना हवा चल रहा है। तो मासी वगैरह पीछे आ रहे, मैं सोचा मैं थोड़ा जल्दी चली जाती हूँ लेकिन अभी तूफान शुरू होने वाला है, स्पीति में मस्त भयंकर वाला तूफान चलता है जब बर्फ पड़ती है। यार देखो कितना ज्यादा हवा चल रहा है, थोड़ी देर पहले भयंकर तूफान चल रही थी। तो अभी 3 बज रहे, हम पानी भरने अभी जा रहे हैं बिकॉज पहले बहुत ज्यादा ठंडा था, अभी भी ठंडा है। वाह देखो कितना तूफान आ रहा है गाइस, वाह देखो जूम करके देखो कितना तूफान आ रहा है गाइस, वो सारा बर्फ है, ओह माय गॉड। यहाँ देखो मुझे डर लगता है, तूफान आ रही है, बर्फ का तूफान, वो भी ओह माय गॉड गाइस। यहाँ देखो अब तूफान आगे से बहुत तूफान आ रहा है गाइस, शायद हमें भागना चाहिए यहाँ से, भागना चाहिए यहाँ से बिकॉज अब तूफान पड़ रही है। यहाँ देखो तूफान आ रहा है, आपको पता नहीं एहसास हो रहा होगा कि नहीं बट वो तेज तूफान आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। ओह माय गॉड गाइस यहाँ चुप जाते गाड़ी के पीछे, ये क्या हो रहा है गाइस, ओह माय गॉड पूरा धुंधला पड़ गया। यहाँ देखो मुझे डर लग रहा है, मैं यहाँ बैठी हूँ छुप के बिकॉज बहुत तेज तूफान आ रही है, अगेन तूफान आ रही है, वो भी बहुत ही भयंकर वाली। यार देखो पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा लेकिन बहुत तूफान आ रही है, जल्दी जल्दी चलते हैं, उन लोगों का वेट करते बाकी। तो हुआ अब यार देखो यार देखो कितना तेज तूफान आ रहा है, पूरा गांव छुप गया। यार देखो बर्फ वाला तूफान आ रहा है, थोड़ा यहाँ बैठ जाती हूँ, अभी थोड़ा शांत हो रहा है। यहाँ देखो अब गांव दिख रहा है, देखा ना कैसा तूफान आया, तो स्पीति में ऐसा तूफान आ रहा है और पूरा आपको ना पूरा, जब बहुत ज्यादा बर्फ आती है ना तो पूरा आपको ना ऐसे दबा देते हैं, ऐसे हवा ना बहुत ज्यादा बर्फ खींच के लाता है। तो मैं यहाँ पे अपनी मासी वगैरह को वेट कर रही हूँ, जामू करमू का वो आ ही नहीं रहे और मेरा हाथ पूरा जमने लग पड़ा है गाइस, देखा ना आपने कैसा तूफान आया, पता नहीं ढंग से रिकॉर्ड हुआ होगा कि भी नहीं कैमरे में, बट ऐसे तूफान आता है, देखा था ना आपने, ये है स्पीडी में ऐसे जीना पड़ता है, आसान थोड़ी है ऐसी लाइफ होती है। और पीछे लिया मैंने आगे 20 लीटर का केन, पानी तो हमारे यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है पानी की, चलो मेरे गांव में तो फिर भी इतना दिक्कत नहीं है, ऐसे कई जगह है जहाँ पे पानी का सोर्स ही नहीं है स्पीडी में, तो पानी के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। मेरे आंखों के पास पानी भर रही हूँ और लोगों ने यहाँ कपड़े सुखाए, देखो कपड़े कैसे, देखो कैसे हो गए कपड़े, माय गॉड गाइस दिमाग तो मेरे जैसा है, चप्पल पहन के आ गई, मैं यहाँ से फिसलने लग पड़ी, अभी मैं यहाँ थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ फिर जाऊंगी मैं, चप्पल में यहाँ बर्फ में स्लिपरी हो रहा है, फिसल रहा है और अब फिर से तूफान आ रही है, मुझे भागना पड़ेगा फटाफट। जा रहे अब जाके महारानी लोग सर से पाँव तक पापा के कपड़े पहनने, यहाँ देखो
यहाँ बन रहा है ढेतुक। तो ये है हमारा स्पीति का ट्रेडिशनल फूड, ये चावल से बनता है। तो इसमें जो तड़का है ना वो यमन का लगता है, जो कि हमारे यहाँ का लोकल प्याज टाइप होता है, बट वो प्याज नहीं होता है और बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस होता है। तो अभी पूरी तरह से बना लेनी है, लेकिन पापा टेस्ट कर रहे हैं कि ये पका है कि नहीं। तो पापा आ चुके हैं रामपुर से। अब पका है समीर बा? पापा बोल रहे पका नहीं है। ये बहुत ही अच्छा दूध की तरह दिखता है, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। देखो इसमें ना छुरवे डाला है, जो हमारा तो पनीर बनता है, ड्राई पनीर। तो ये भी बहुत डिलीशियस होता है। तो यह जैसे बन जाएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, बिकॉज आज बाहर बहुत ठंड है। और मैंने आपको जैसे दिखाया दिन को मेरी क्या हालत हो गया था, यहाँ पे खिड़की से आए हो रहा है सरसों का तेल गरम। और ये है यमन, देखो ये है लोकल हमारे यहाँ का प्याज होता है, ये औषधि होती है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जड़ी बूटी है गाइस। तो इसको हमारे लैंग्वेज में यमन बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में इसको क्या बोलते होंगे, और ये होता हो कभी कि नहीं, फना बोलते हैं बोले पापा। तो ये जड़ी बूटी होती है, इसकी खुशबू ना बहुत ही यूनिक होती है। तो इसका तड़का लगेगा अभी, अभी आप लोग देखना कैसे सर करके होगा। सरसों का तेल हो रहा है मस्त गरम, पहले हम इसको अच्छे से गरम करेंगे। लग रहा है ये देखो लग गया तड़का गर्मा गर्म। देखो फना का तड़का बहुत इजीली होता है। अब ये डलेगा ढेतुक में, देखो मस्त गर्मा गर्म खाना, हेल्दी और डिलीशियस खाना रेडी हो गया 2 मिनट में। और फिर हम इसको सर्व करेंगे, खाएंगे। जल्दी ले, धूप निकल चुकी है, बर्फ थोड़ा सा ही पड़ा है। तो अभी हम उठा रहे हैं बर्फ, यहाँ देखो पहले हम ये वाला एरिया उठाएंगे, फिर आसपास का एरिया उठाएंगे और हमारा छत उठाएंगे। तो धूप आने तक उठाना पड़ता है, यहाँ पे दिक्कत ये होती है जैसे ही धूप निकलता है तो जो बर्फ हो जाए वो थोड़ा सा पानी वाला हो जाता है, तो वो उठाया नहीं जाता है। और हमारा जो छत है वो मिट्टी का होता है जैसे आपको पता ही है, तो वो खराब हो जाता है। तो अभी पता नहीं मैं कैसे दिख रही हूँ ब्रिज में, अभी जस्ट बिस्तर से उठ के आई हूँ। तो फटाफट से हम ये पूरा का पूरा साफ करेंगे। मैंने कैमरा सेट करके रखा था और मुझे लगा था मैं काफ़ी कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हुआ था। तो यह अभी होने वाला है, थोड़ा सा ही बचा है। तो आप थोड़ा सा ही बचा है उधर का, बाकी हो चुका है हमारा। और बहुत ठंड है, यहाँ देखो मौसम हो गया एकदम साफ, यहाँ देखो। और ये रही मैं, तो मैं आपको दिखाने आई हूँ। तो बर्फ तो इतना जैसे ही पड़ा, ज़्यादा पड़ा ही नहीं, तो इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, बट इट्स ओके, क्या करना। आप लोग होम स्टे का अपडेट मांग रहे थे, तो हमारा होम स्टे रेडी हो चुका है। तो हमारा जो होम स्टे वो रेडी हो चुका है, तो आप लोग मेरे को अपडेट के लिए पूछ रहे थे। तो हमारा होम स्टे रेडी हो चुका है, तो मैंने अपडेट दिया ही नहीं था। तो जो प्राइस है वो 1200 रुपीज़ पर पर्सन है, विद मतलब कि पूरा दिन स्टे और साथ में 2 टाइम खाना और सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा 1200 में। तो ये उसका प्राइस है, 1 डे प्राइस। सो भगवान जी ने भी बहुत मजाक कर लिया, इतने से बर्फ़ का स्पीति वालों का क्या होगा, मतलब 3 इंच पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उससे नहीं पड़े, उससे ज़्यादा नहीं पड़ा। तो बहुत सैड है हमारे लिए, हम तो चाहते हैं कि पूरा हफ्ता पड़ते ही रहे, इतना इतना हो जाए बर्फ़। तो जितना ज़्यादा बर्फ़ होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, बट बर्फ़ हुआ ही नहीं, मजाक हो गया ये तो, बट कोई बात नहीं, थोड़ा जैसे ही हुआ, लेकिन बहुत तूफ़ान हुआ इस बार, तो उस वजह से जो बर्फ़ है ना घर के ऊपर आसपास तो दिख नहीं रहा होगा, बट पहाड़ों में आप देख सकते हैं पहाड़ कवर्ड है, ऊपर तो हुआ होगा, बिकॉज जितना जैसे जैसे ऊंचाई होता है उतना उतना बर्फ का जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ता जाता है। पे तो ना गोबर खिलाओ कॉम्पिटिशन चला हुआ है गाइस, गोबर खिला रहे कर्मा को। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? गाइस ये लोग तो यहाँ मुंह मीठा कर रहे छी, यहाँ देखो इन्होंने गाय का गोबर करना केक काटा है इन लोगों ने, पता नहीं। वहाँ देखो
जाशा कर्मा जाशा कर्मा जाशा कर्मा कर्मा जाशा फटाफट जा जाशा जाशा। गाइस हम खिलाएंगे इनको गोबर गोबर खिलाए गोबर कर्मा खिलाए दे कर्मा खिलाए दे।